आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पुलिस बदमाशों का ठीक से इलाज कर रही है, क्योंकि योगी ने यूपी की जनता से वादा किया था कि आपको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी और बदमाश मुक्त राज्य बनाया जाएगा। इसी को लेकर अगर हम गाजियाबाद से कानपुर तक की बात करें या फिर बरेली तक की बात करें तो कई सारे उदाहरण ऐसे हैं जहां पर बदमाशों का ठीक से इलाज किया गया है और उन्हें सबक सिखाया गया है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी में चली योगी की बुलेट ट्रेन। माफिया अगर सिर उठाने का तो साहस करेगा तो उसको मिट्टी में मिलाने का काम भी सरकार करेगी। शहर शहर बदमाशों का एनकाउंटर। सुधर जाओ नहीं तो सुधार दिए जाओगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन मोड में हैं, साथ ही उनकी पुलिस दिन रात बदमाशों पर नकेल कसने में जुटी हुई है, जिसकी गवाही यूपी के तीन शहरों से आई ये तीन अलग अलग तस्वीरें दे रही है, जहां बदमाशों ने यूपी पुलिस और सीएम योगी के अल्टीमेटम को हल्के में लेने की भूल कर दी। लंगड़ाकर चल रहा यह आरोपी कानपुर के महाराजपुर में हत्या को अंजाम देने के बाद से फरार चल रहा था, लेकिन जैसे ही पुलिस को इसकी भनक लगी, पुलिस ने तुरंत प्लान तैयार कर इसे दबोचने की कोशिश की, लेकिन यह उल्टा पुलिस से उलझ पड़ा और फायरिंग शुरू कर दी। यहीं पर इसने भारी भूल कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में इस बदमाश के पैर में गोली लगी। जब ये आ रहा था इसमें पुलिस को देखा, फिर फायर किया, फिर जवाबी फायरिंग में इसको गोली लगी है, इसको हॉस्पिटल में हम लोग भेजा गया। बड़ी गंभीर घटना थी, महिला की जान गई है और पूरी टीम हमारी लगी रही, सर्विलांस लगी रही, थाना लगा रहा, तो ये पूरी पूरी घटना एक तरीके से वर्कआउट हुई। गाजियाबाद में भी पुलिस ने बदमाशों को तगड़ा सबक सिखाया है। पुलिस ने दो लुटेरों को गिरफ्तार किया है जिसमें से एक को गोली लगी है। ये लुटेरे हथियार का डर दिखाकर लोगों से लूटपाट की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। एक बार फिर ये कहीं से लूट के सामान के साथ फरार हो रहे थे। पुलिस ने जब इन्हें रोका तो इन्होंने लूट की वारदात कबूल कर ली, लेकिन एक चतुराई इन पर भारी पड़ी। पुलिस लूट के सामान की बरामदगी के लिए इनकी निशानदेही पर चल रही थी, लेकिन तभी इन्होंने वहां से असलाह उठाकर पुलिस पर गोली दाग दी। तभी जवाबी हमले में एक बदमाश समीर को गोली लगी, जिसका इलाज कराया जा रहा है। समीर द्वारा वहां पर छुपाया गया इनका अवैध असलाह इन्होंने उठाया, समीर द्वारा उठाया गया और पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में समीर को पैर में गोली लगी, जिसमें उसको तत्काल प्राथमिक उपचार देते हुए हॉस्पिटल रवाना किया गया। आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बरेली में पुलिस ने दबंग बन रहे बदमाशों को मुठभेड़ के जरिए जवाब दिया है, जो आए दिन महिलाओं की चैन लूटने, चोरी और डकैती जैसी घटनाओं को अंजाम देने से नहीं चूकते थे। पुलिस को लंबे वक्त से इनका इंतजार था और आखिर में ये पुलिस के हत्थे भी चढ़ गए। पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की थी, लेकिन इन्होंने उल्टे पुलिस वालों पर ही फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी गोली का जवाब गोली से दिया, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने बदमाशों के पास से लूट का सामान बरामद किया है, साथ ही हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। एनकाउंटर की ये तस्वीरें बदमाशों को योगी का सख्त संदेश देती हैं कि यूपी में सिर्फ एनकाउंटर की बात नहीं होती, बल्कि इसके जरिए बदमाशों को सबक भी सिखाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात उत्तर प्रदेश की बरेली की करेंगे, जहां पर एक बार फिर से लव जिहाद का मामला सामने आ चुका है। आपको बता दें, दो आरोपियों को बरेली पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके ऊपर यह आरोप है कि ये हिंदू लड़कियों को नाम बदलकर अपने जाल में फंसाने की जुगत में लगे हुए थे। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। फर्जी आईडी की आड़ में लव जिहाद का खेल। बरेली के ये दो लड़के, जो न जाने कितनी ही मासूम लड़कियों को अपना शिकार बना चुके हैं, नाम और पहचान छुपाकर दोस्ती का झांसा और फिर इज्जत तार तार, लेकिन अब इनके बाप का घड़ा भर गया है। दोनों आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में हैं, लेकिन इस खुलासे के बाद लोग हैरान हैं, कैसे कोई अपनी पहचान छुपाकर भोली भाली लड़कियों से फरेब कर सकता है। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब इज्जतनगर थाना क्षेत्र के कर्मचारी नगर चौराहे के पास दो लड़कियों से अभद्रता करने वाले दो लड़कों को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया। पूछताछ में दोनों लड़कों ने पुलिस से अपनी पहचान छुपाने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने इनका सोशल मीडिया अकाउंट खंगाला तो पुलिस भी हैरान रह गई।
दोनों लड़के दूसरे समुदाय के निकले। पुलिस ने जब मौके पर पहुंची तो दो लड़के विवाद करते हुए मिले, जिन्होंने अपना नाम राहुल और सतीश बताया। जब उनकी गहनता से पूछताछ की गई तो नौशाद और अमान उनके नाम थे। नौशाद के पास से 5 आधार कार्ड बरामद हुए हैं जो कि हिंदू और मुस्लिम नामों से बनाए गए हैं। उसके फ़ोन में 6 इंस्टाग्राम आईडीज मिली हैं जो कि हिंदू और मुस्लिम समुदाय के नामों से बना रखी हैं उसने। अमान के पास से भी 3 आधार कार्ड मिले हैं जो कि दोनों समुदाय को से बिलोंग करते हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और पूरे रैकेट का भंडाफोड़ किया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के मोबाइल फोन में कई लड़कियों से चैट और अश्लील सामग्री मिली है। दोनों करीब 30 लड़कियों के संपर्क में थे, जिनमें से अधिकांश दूसरे समुदाय की थी। दोनों युवक हिंदू बनकर हिंदू लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाते थे, फिर उनकी अश्लील फोटो और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते थे और मोटी रकम लेते थे। शर्म और लज्जा की वजह से लड़कियां पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराती थी। पुलिस ने इनके पास से 5 आधार कार्ड और 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। वहीं इनके अलग अलग नामों से कई सोशल मीडिया अकाउंट्स भी मिले हैं। मामले के खुलासे से पूरे इलाके में आक्रोश है। मामले को लेकर पुलिस की जांच जारी है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।